उसके बाद हम वन बाई वन कैंसिलेटिंग सवालों पर बात करेंगे और उन्हीं से डिस्कशन हमारा आगे बढ़ेगा। तो अगले 5 मिनट हमारा अगर कोई सवाल हो या इन सवालों पर कोई रिस्पॉन्स हो तो सवालों पर रिस्पॉन्स हम 5 मिनट बाद ही देख सकते हैं। लेकिन क्या इनसे जुड़ा हुआ कोई सप्लीमेंट क्वेश्चन आपका या कोई नया क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप अपना सवाल ही कर सकते हैं। पहले तो जो पानी की बात है, हाँ जहाँ हमारा डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो पानी का रुकाव नहीं है। साथ साथ आप देखें तो ये बॉडी शेप जैसे प्रोजेक्ट क्यों शुरू हुए उसका कारण ये है, लेकिन वो उस मास के लिए इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो वाटर शेप का भी आप देखें कंसेप्ट तो वो कुछ कैचमेंट एरिया के हिसाब से कमांड एरिया के हिसाब से बचता है, जिसमें 5-7 जिले लेते हैं ना कि पूरे के पूरा लेते हैं। पुराने लोग जो थे वो सब टेक्निक को जानते थे, भले वो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते, अगर वो खेती भी करते थे तो उस हिसाब से करते थे, चाहे वो इंडोर मंडलिंग हो चाहे ट्रेंचिंग हो या जिस तरह से भी हो, ये टर्म साइंटिफिकली या जितने भी है उस तरह से आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी वो प्रैक्टिस में थे, जिसकी वजह से वो वाटर लेवल जो था वो पानी का भला रहता था और उनकी जरूरतों के हिसाब से चलता रहता था। लेकिन आज की डेट में वो प्रक्रियाएँ जो है वो उन्होंने आगे हमने एक्सेप्ट नहीं करी, उनको लिया नहीं अपने कंफर्ट के लेवल के हिसाब से। आज की डेट में अगर हम उस समय चूल्हा चलाते थे, लकड़ी लेते थे, तो आज की डेट में उस समय हम जरूरत के हिसाब से रखते थे और यही पता था कि हमारा जीवन चलना है। आज की डेट में गैस आ गया है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी, तो उस तरह हमारा ध्यान भी कम हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट पानी और इन सब चीज़ों में जा रहा है। की संख्या नगण्य हुई है। इसी तरह जो जो बागवानी का क्षेत्र है वो घट गया है, आधे से कम रह गया है। जो गांव राजस्व गांव 1 लाख के आसपास हुआ करते थे वो गांव भी घट गए, तो संख्या करीब 80,000 के आसपास आ गई और गैर आबाद गांव की संख्या भी कम हो गई। आबादी है ही नहीं ऐसे गांव है आपको, ये माइग्रेशन की वजह से हो रहा है। और इसी तरह जो उस जो वाटर लेवल है हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से करीब 22 जिले में है ब्लैक जोन घोषित किए गए हैं और उनमें करीब 100 से ज्यादा ब्लॉक हैं जो ब्लैक जोन में आ रहे हैं। हमारा ब्लॉक भी ब्लैक जोन में है, ग्राउंड वाटर के हिसाब से वहाँ पे बोरिंग प्रतिबंधित कर दी गई है। उन सबके पीछे यही सब कारण है कि जो वाटर का रिसोर्सेज को हम रीहार्वेस्ट करते रहते थे तालाब और उनके माध्यम से वो नहीं हो पा रहा है। जो रिचार्ज का साइकिल था वो साइकिल कहीं ना कहीं टूट गया है। मुझे एक सवाल है जो तुमने पानी जॉब की जैना में इंसान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कहीं मैं सवाल भी सुन सकती हूँ कि क्या जो माइग्रेशन हो रहा है ना जो लोग गाँव को छोड़ के
के बाहर से लोग आगे जॉब कर रहे हैं उनकी तरह इसी तरह जब औद्योगिकरण हो रहा है तो शहरीकरण भी बढ़ रहा है तो शहरीकरण में लोग जो है जॉब के लिए गाँव छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं जवाब दे रहे हैं जवाब नहीं दे रहे मतलब आपका कोई सवाल है तो आप सवाल नहीं है बस मेरा थोड़ा सा अनुभव है कि हमारे भी गाँव में ऐसे लोग जो है शहरों से लखनऊ की तरफ भाग रहे हैं गाँव आधा खाली हो गया है तो आधे घरों में ताला लटका हुआ है प्रवासी का तो बुरे ही अब ताला है आप कह रहे हैं जैसी स्थिति इनके यहाँ पहाड़ में है वैसी स्थिति आपके लखनऊ में आपके गाँव मैदानी क्षेत्रों में भी उनके पीछे ये जो मुझे समझ में आ रहा है उसका कारण औद्योगिकरण और शहरीकरण उसकी वजह से प्रयास क्या हो
और इसकी इसको इसमें हम कैसे सभी लोगों को शामिल कर पाए, जहाँ पे आप बोले विकास को रोक के क्या शर्माश को जो है उसको देखते हुए विकास को रोक दिया जाए वो भी ना हो, लेकिन ऐसे इस पर्टिकुलर फेज में हम छोटी सी जगह में कैसे कोलैबोरेटिव तरीके से उसको सोच सकते हैं, क्या उसमें कोई बॉर्डर है, क्या उसमें इस तरीके से हम सोचे उसमें क्या कुछ हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो आपका सवाल यही कि हम इन सब चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल
आपका क्वेश्चन है कि नेचुरली जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं। जी आपका कोई सवाल जी पर सवाल आप जानना चाहें जी पर एक क्वेश्चन मुझे बहुत मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग हर कोई अच्छे से जानता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हरित क्रांति के बारे में हर कोई जानता है अच्छे से। एक समय उसी नीड भी थी हमें जरूरत थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अभी तो उस समय हमें क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी मतलब हमारे पास उतना भी अन्न नहीं था कि हम सारे लोगों का पेट भर सके तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया अभी आया तो गया और बहुत कुछ हो भी रहा है आज आज के टाइम में हम तीन तीन फसलें भी ले रहे हैं और बहुत सारी उन्नत बीज भी आ गए हाइब्रिड क्वालिटी के अभी लेकिन उसका एक इफेक्ट भी पड़ा बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा कि आज के टाइम पे हमारी जमीन जो पहले बहुत अच्छी पैदावार थी उसकी पैदावार कम होती जा रही है। तो मैं मेरा क्वेश्चन मैं इसको इसलिए रखा है कि जो हम टेक्नोलॉजी या विज्ञान जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम शायद मेरे क्या वास्तव से जुड़ता हुआ भी है कि उसको हमें कितना यूज करना है या तो हमें यूज करने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि उसका 50 साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखना पड़ेगा कि उसका हमारे आगे आने वाली जिंदगी पे हम तो अपने लिए अच्छा कर जाएंगे शायद हो सकता है कि हम उसके पैदावार बढ़ा के या कुछ कर जाएंगे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम आने वाली अपनी जो अपनी जो उसके उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाएंगे भी या उनका भी अगर हम बढ़ा नहीं सकते तो उनको कुछ बिगाड़ के तो ना सकते। अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रभाव लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है प्रकृति का जो दूषित वायु प्रदूषण की बात करें जल प्रदूषण की बात करें तो इसका मानव के प्रभाव यदि हम सांस ले रहे हैं तो कितनी शुद्ध है कि जो हमें शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जल जो हम पी रहे हैं उसका तो एक मेरा क्वेश्चन है कि मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो ये क्वेश्चन एक तरह से हमारे पास आ भी गया था पहले तो लास्ट वाला इसमें है कि इन सभी बातों का हमसे या हमारे जीवन से क्या संबंध है और क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा परिवर्तन हमें देखा जा रहा है तो ये उसी के अंदर इंबिल्ट है सवाल का लेकिन अच्छा सवाल है। तो अब हमारे पास ये कुछ सवाल आ गए हैं तो सवालों को हम यहाँ रोक सकते हैं अब हम एक एक करके इन सवालों में बात करेंगे ठीक है जो भी सवाल आए हैं और ऐसा नहीं कि इन सब सवालों में जवाब मैं दूंगा या कोई और देगा हम सब लोग मिलजुल के इन सवालों में जो हमारे अनुभव हैं या हमारे अपने विचार हो सकते हैं उन्हें हम साझा कर सकते हैं। देखिए अब जब सवालों के हम जवाब रखना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सुझाव हो सकता है मैं सहमत ना हूँ उससे वो आपके अकॉर्डिंग सुझाव हो सकता है लेकिन मुझे पसंद नहीं हो ठीक है लेकिन वो आपका सुझाव है तो हम किसी के भी सुझाव से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन उसका विचार रखने की उसकी पूरी छूट है कि वो अपना विचार रख सकता है अपनी बात कह सकता है। तो चाय आ गई है तो हमारे पास दो ऑप्शन है चाय के लिए ना कि अगर आप लोग चाहें तो हम अंदर कर सकते हैं या आप लोग चाहें तो 5 मिनट का ब्रेक लेके बाहर कर सकते हैं तो बाहर ही जाएगा तो 5-10 मिनट रुकते हैं तब तक चलिए चाय वो हटा लेते हैं और एक चीज में कहना पड़ी हुआ नहीं ब्रेक तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है जो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब कवर होंगे वहाँ और फिर प्रैक्टिकली कवर होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जीवन एक देश है चाहे लैटिन अमेरिका में है या अफ्रीका में है मैं छोड़ रही हूँ लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में है जीवन जीवन जापान भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में जीवन भी बोलते हैं वो शायद अफ्रीका में है या लैटिन वो अफ्रीका में है तो फिर वो विश्व रेखा के आसपास की जो रेन फॉरेस्ट है मतलब वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं रेन फॉरेस्ट है वहाँ वर्षा वन तो वहाँ का जो मेन आर्थिक है वहाँ का जो क्लियर फैसला है वो जंगलों पर डिपेंड है कि बहुत जंगल है रेड फॉरेस्ट में वो है तो लकड़ी से हमको बहुत पैसा मिलता है लकड़ी के लिए लेकिन आप तासुब करेंगे कि वहाँ की पॉलिसी अब देखिए वहाँ कोई रिसोर्सेज नहीं है सिर्फ लकड़ियाँ हैं पेड़ पौधे हैं उन्हीं से उन्हें कमाना है उन्हीं को बेचना है उन्हीं से फर्नीचर बनाना है सब चीज़ें उन्हीं से बनती हैं तो कैसे उसको आप यूज करोगे ना उसका एक तरीका होगा वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं ये हो सकता है कि 10 साल में पूरा जंगल काट दे और अमीर हो जाए देश कैसा संभव है जो मैटर में थोड़ा जिक्र आया
कि वो एक हेक्टेयर में एक हेक्टेयर वर्ग का जो एरिया होता है सिर्फ एक पेड़ काटा, हर जो हेक्टेयर है वहाँ का उसमें से सिर्फ एक पेड़ काटते हैं वो एक टाइम ड्यूरेशन में जब तक वो पूरा हेक्टेयर पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, और उस एक पेड़ को काटने के साथ साथ वो वहाँ पे तीन पेड़ लगाते हैं उस पर्टिकुलर हेक्टेयर एरिया में, वो सिर्फ एक ही पेड़ काटेंगे और एक पेड़ के साथ तीन पेड़ लगाते हैं, तो जितना उनका टोटल सिंगल है हजारों हेक्टेयर में होगा तो हजारों पेड़ कट जाएंगे एक सर्किल में, और उनकी जगह उन्हें 3000 पेड़ लगते हैं, वो 3000 पेड़ जब तक वो परिपक्व होंगे तब तक वो दूसरे वाले एक एक पेड़ काटेंगे और उनका सर्कल बनेगा, तो उस हिसाब से उनका कहना था कि तकरीबन एक साल में एक हेक्टेयर का जो टर्न है वो 4 या 5 बार लगता है, यानी पूरे साल भर में एक हेक्टेयर में से 4 या 5 पेड़ ही कटेंगे, तो आप देखिए कि उनके पास जो रिसोर्स है उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। चल इसी को सतत डेवलपमेंट कहते हैं अमेरिका से, एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ना, या सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज का, कि उन्हें पता है कि हमारा संसाधन कितना है, उन्हें अपनी लिमिट्स पता है, उन्हें पता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा यही स्थिति इंडिया में होती तो क्या होता है? दूसरा एक और सवाल मैं रखना चाहता हूँ, रुद्रपुर में
जनगणना मुझे है मोटा मोटा 1960 के बाद से मसला शुरू किया है तो पता चलता है कि 1960 के आसपास हमारा मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन एक बड़ा शहर हो जाएगा 1960 में ऐसी स्थिति थी और मुझे थोड़ा याद है कि हमारे वर्कशॉप में एक मैडम आई थी शायद से थी वो मैडम या अच्छा कुछ मुझे याद नहीं राइट में हमने वर्कशॉप की थी नवंबर में तो वहाँ एक मैडम वो अपना अनुभव कुछ बताई तो उनका कहना था कि वो जहाँ रहती है काशी में अस्पताल में वहाँ पे गुलदार जो होते हैं वो खूब आया करते थे तो उनके दादाजी ने गुलदार को मार दिया था शिकारी के वो तो उसके जो छोटे बच्चे थे उनको उन्होंने मारा था अपने पे गुलदार के बच्चों को और उनके साथ वो खेलते थे बचपन में और जब वो गुलदार तो लेपर्ड का शिकार कर दिया और लेपर्ड के जो बच्चे थे उनको उन्होंने पाला अपने घर में तो जब वो एक हद से ज़्यादा बड़े हो गए थे तो गाँव वालों का विरोध आने लगा कि नहीं ये तो कल को नुकसान कर सकते हैं गाँव की बकरी हुए बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं हालांकि उनकी परवरिश उसी तरह की थी वो मतलब एक पालतू जानवर की तरह ही बिहेव करते थे लेकिन जानवर तो जानवर है पता नहीं कब अपने ऐसे रूप में आए तो लोगों का काफ़ी दबाव था तो उन्होंने बोला आपने बहुत बार उनको जंगल में छोड़ा गुजार के ना कि बच्चों को जब बड़े हो गए बट वो फिर आ जाते थे क्योंकि उनकी परवरिश कोई नहीं थी तो अंत तक उन्होंने किसी सत्ता वाले को भेजा था तो मैं यही सोच रहा था कि हम हमारे आश्रय रूप में आते हैं हम तो एनिमल हैं बिल्कुल हम भी बहुत बार अपने ऐसे रूप में आ जाते हैं ना कि परवरिश के बाद तो एक्चुअली तो मैं यही सोच रहा था कि वो काशी में स्नान करने से एक जगह से थी वो सोची कि उनके बचपन में ऐसी घटना एक आम बात थी कि गुंडा को घर में पाला जाता था इतने गुंडा हमारे आसपास नहीं कहीं थे लेकिन क्या मेट्रोपोलिस में रहते हुए या सिंपल देखते हुए या उधम सिंह नगर का शहरी ये देखते हुए क्या हमें लग सकता है कि अभी यहाँ गुंडा ऐसे घूमते होंगे कि उन्हें पाल लिया जाता होगा और ऐसे घूमते होंगे तो यहाँ पे क्या चीजें आए क्योंकि रेटिविटी रहते तो हम यहाँ है ना अमेरिका में कनाडा में क्या परिवर्तन आता है अच्छी बात है हमें जाना चाहिए गाड़ियाँ चलना सड़कें बनना क्या यही
खेती के बारे में अपनी नई टेक्निक्स जानकारी लेता है, क्या क्या उन्नत चीजें आ गई है, तो उसके हिसाब से खेती करता है। और अच्छा 15-20 हज़ार रुपये महीने का बचाता है अपने घर की सब्जी करके फल काटता है, गाय पाल रखी है, लेकिन उसको हर चीज़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी वो रखता है। और जो उसके गाँव का दोस्त तो भाग गया था, अब वो अंदर से वो 2-4 साल में वापिस आ जाता है और कहते हैं मेरे को वहाँ पर डांट भी पड़ती है, मारी पड़ती है, दूसरी गुलामी करता हूँ, और उसके बाद में 5-6 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से बचा पाता हूँ। तब उसका दोस्त उसको समझाता है कि इसमें मुझे रखा है तुम गाँव में ही रहो, ऐसा नहीं कि गाँव में रहने का मतलब करते हैं कि पिछड़ गए हैं, हम नई टेक्नोलॉजी नई टेक्निक जो आई उसको सीखते हुए अपने गाँव का विकास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसे इतना है कि अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से पराये की ओर चले जाते हैं तो वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वहाँ की जो लोग चीजें उनसे हमारा मोह भी समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। अगर हम उसी जगह पे रह रहे हैं वहीं पे रहकर हमें सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं पर रहकर हम काम करना चाहते हैं अपने पेड़ पौधे के बीच में, जंगल के बीच में, जैसे मैंने जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ देखा, मैंने आपको क्या भी किया था कि मैंने उनसे कहती थी कैट पास करे करता था पास कर मुझे भी आते, मैंने बहुत समझाया, उसकी मम्मी ने बोला इसको मना करो मैडम आपकी बात मानेगा तू बैंगलोर आ जाए, मैंने बहुत समझाया कि आपका बैंगलोर होना चाहिए, यहाँ पे अभी इंटर पास करिए और उसके बाद चाहे कॉलेज करिए उसके बाद आप जा सकते हैं, नहीं मैडम हमारे साथ ही सारे लोग बैंगलोर चले गए हैं, हमारे को इतना कमा रहे हैं, होटल में काम करते हैं, तो चला गया नहीं माना। तो और भी बहुत सारे बच्चे थे लेकिन मैंने देखा उनका अपने जो जड़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का जो है उसके चर्चा कर सकते हैं मेरे ख्याल से।
वही विकास है। तो मॉडल कहता है जो भी आपने जीवन देश का जंगल का उदाहरण भी दिया कि हम उतनी संसाधनों का उपयोग करें जितनी ना हो सकता है, ये समझना पड़ेगा कि हम विकास। मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंडिया का एक उदाहरण कि एक किसी ने बोला कि मैं अपने गाँव जाता हूँ वो तो देहात वाला गाँव होता है ना, तो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है लेकिन लोग बड़े खुश रहते हैं। तो मेरा ये सवाल था डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक मैंने बहुत टाइम पहले तो सोच रहा था इस चीज़ को, लेकिन आज अच्छा प्लेटफॉर्म तो मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा भी अपने ही गाँव लेवल पे था। मेरी समस्या में तो मैंने सोचा था इस बारे में कि अगर हम ऐसा करें कि जो चीज जहाँ पर है आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज यहाँ पर सस्ती मिल रही है, चीन से सस्ती मिल रही है, हम चीन से ला रहे हैं, ये जापान से ला रहे हैं, ये जो चीज यहाँ से अच्छा पड़ रहा है हम लेके आ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो चीज जहाँ पर है उसको वहीं रहने दें और जो बंदा जहाँ है अगर वो वहीं रह के वहां पर जो लोकल चीज है उसी को यूटिलाइज करके अगर अपना जीवन यापन कर सके तो क्या ये मतलब है? सोच रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो शायद जितना भी है ट्रांसपोर्टेशन सड़क और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विकास और ये, अगर आप वहीं पर रहकर उसी लोकल चीज को यूज कर ले और उससे ही सारी चीजें कर ले, मतलब उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई भी कर, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन उसके लिए आप अल्टरनेट वहीं से निकाले। और अगर ऐसा कुछ कर पाए मेरा एक समझ थी, मतलब सोचता था इस बारे में, तो मैंने कहा आवाज सामने रख देता हूँ। ठीक है अश्विनी भाई, कुछ कहना चाहते हैं? मतलब भाई वो आपकी जो बात आ रही थी कि मामला जो आ रहा था कि वो आपका गांव है या नहीं, मतलब एक उदाहरण पेश किया है आपने कि आप गांव जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये किस आधार पर कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है? वो समझ आ रहा है।
गवर्नेंस है कि उन पे आप विकास कर रहे हो तो है सेम ही है दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट राइट दैट गवर्न्स द लीस्ट जो सबसे कम अपने पास रखने के लिए और दूसरों को मौका देगा तो विकास का पैमाना वहाँ से अब एक उदाहरण है जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी है तो बहुत ही विकास विकास को भी अलग अलग पैमाने में मानना पड़ेगा सामाजिक विकास अलग है भौतिक विकास अलग है अन्य विकास राजनीतिक है जो भी है वो अलग विकास अब जो आपने सड़कों और ये सब बात कर दी ठीक है ये रिलेट है कैपिटलिस्ट के आप पर रिलेट अब आपने मान लीजिए गांव में हॉस्पिटल तो बना दिया ठीक है उसमें ना मेडिसिन है ना कोई डॉक्टर है क्या वो विकास है क्या विकास है दूसरी चीज सब टैक्स देते हैं देते हैं टैक्स तो टैक्स जो देते हैं आप उसका पैसा कहाँ जाता है उसका पैसे का कहाँ उपयोग होता है बताइए आवश्यकता को पूरा कर सकता है अगर किसी एम का लालच हो जाए तो आई थिंक ये तो एक प्रकार है
कैंसर ऐसा एक बीमारी है जिसका जल्दी से इलाज नहीं होता, मगर भूख एक ऐसा सिचुएशन है जो हमारे हाथ में। सो मैं क्या जो बेसिक नीड, सभी का बेसिक नीड को मैं पूरा कर पाता हूँ तो मैं डेवलप कर भी हूँ। तो ये जो एक आइडिया है ना परचेजिंग पावर करेगी, आप जितना परचेज कर पाएंगे वो डेवलप करेंगे। ये जो आइडिया है, लेट अस टेक दी अदर सिचुएशन, मैं वाटर सिस्टम यूज करता हूँ, इतना यूज नहीं करता हूँ, वो भी तो हो सकता है। मैं घर में एसी नहीं लगाया मगर घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं ऐसा जगह में रहता हूँ जहाँ मुझे ठंडा लगता है या ऐसा। तो ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है, मुझे लगता है जो एनर्जी ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के लिए वो एस्टैब्लिश और बेसिक नीड्स का फुलफिलमेंट हो जाए तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट है रेदर देन कॉन्स्टेंट एलिनेशन फ्रॉम नेचर एंड इंडिविजुअल, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस हमें पता है। तो मुझे मैं उस तरह का डेवलपमेंट को एम्बिशन करता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं उसमें जी रहा हूँ, मैं जी नहीं रहा हूँ बट आई एम एम्बिशनिंग और मुझे पता भी नहीं मैं जी पाऊंगा नहीं, तो बट आई एम एम्बिशन। तो आई थिंक ये क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट में मेरा आंसर इसमें आ रहा है लुकिंग एट दिस क्राइटेरिया। अच्छा एक चीज जितना भाई मैं बोलना चाहता हूँ विकास को लेकर के, कि विकास में सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, स्वास्थ्य वाला जो आपने बात किया हेल्थ का डेवलपमेंट हो, और शिक्षा और तकनीकी का विकास, और एक है कि उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी समृद्धि का विकास। जैसे हम कहीं रह रहे हैं उसके आसपास की जो अच्छी संस्कृति है, अच्छा उसका पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र का विकास भी, इसकी एक बात ये भी चल रही है कि आगामी समय में अगर हमको कहीं विशेष काम की जरूरत है तो पर्यावरण विज्ञान के प्रति उसमें ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत, उसमें क्योंकि जिस तरह से एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो रहा है पर्यावरण विज्ञान में आगे के समय में 50 साल में ज्यादा उसमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, वो ये सब जुड़ा होता है। इसको इसी को लेकर के कि पारिस्थितिक तंत्र की जो समृद्धि है, हम अगर बढ़ रहे हमारे आसपास सब पूरा तंत्र है उड़े, मैं अपना विकास कर रहा हूँ, फैक्ट्री लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा सामाजिक विकास भी हो रहा है, लेकिन मैं अगर ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो रहा है तो वो फिर विकास नहीं है, वो लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्टिव करता है। तो इसके साथ चीजें हैं जिनको विकास के रूप में ये पैक्स प्रोग्राम ने देखा था, टूरिस्ट एरिया सिविल सोसाइटी प्रोग्राम था, उसमें इस पर चर्चा की गई। विकास कहीं जिस तरह की आप इक्विपमेंट्स के दौर से गुजर रहे हैं या जिस तरह की नीड्स आ रही है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो चाहे गैजेट्स को लेकर हो, तो मामला ये है कि आज की जरूरत है, ये मान के चलना पड़ेगा कि आज की जरूरत है। और लेकिन लेकिन मामला ये है कि अगर ये शहरों अगर ये फैक्ट्री रहती की बात करें तो शायद शहर हो, लेकिन तो गाँव के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, अगर ये दो को तो आपको देखना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ऐसे देखा हूँ कि शायद जो शहरीकरण जो हो रहा है उसका जो कीमत बार बार कर रहा था तो उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ रही है, तो ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट आप करते जा रहे हो लेकिन आप किसी दूसरे पक्ष के साथ न्याय ना कर पा रहे हैं, है ना, कि शायद गाँव में लोग अवेयर नहीं हो पा रहे उन्नत तरीकों से, या उनके लिए क्या कोर्सेस है कि वो डेवलप अपने आप को कर पाए, गाँव में रहते हुए डेवलप कर पाए, ये डेवलप विलेज कैसे बने, ठीक है ना, तो उस तरफ मेरा इशारा जा रहा है, अगर ऐसा हो तो फिर तो डेवलपमेंट नजर आता है। भारत एक अमीर देश है जिसके निवासी निर्धन है, और इस पर कारण होता है उसका एक सवाल थोड़ा होता है तो हम रखते हैं, लेकिन सवाल अगले दिमाग में कि भारत आज लगभग 15 साल 20 साल हो गए सवाल में निकल रहा है, लास्ट 5-6 साल लेकिन सवाल आज नहीं है कि भारत एक अमीर देश है लेकिन उसके निवासी निर्धन है, इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर एक मैपिंग की जाए कि कितने रिसोर्सेज कंट्रीज में हैं, शायद इंडिया वहाँ पर SDM क्रॉस कर जाएगा तो हमको 1 प्लेस है, तो वहाँ बहुत ऊपर होगा, लेकिन यही गवर्नेंस का शुरुआत है विकास से कहते हैं कि यही गवर्नेंस कहाँ है कि आदमी गरीब है लेकिन रिसोर्सेज, ये जो मिसमैच है अगर ये मैच कर जाएगा तो विकास कर ले, यही विकास का पॉलिटिकल पीस ने यही किया है, किसी और से भी मांग के लाए, अपना ही जो चीज था वो ठीक से एक्सप्लॉइट कर लिया, ताकि जो लोग जिनको बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको खाने की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दे,
जो अभी खाने तक की प्रॉब्लम है वो चीज मिट आउट हो जाए, वो कैसे हो सकती है? जिस चीज में हम थोड़ा ही ऐज रखते हैं, जहाँ हमारे पास ज्यादा पैसे हैं उसको उससे बैलेंस कर लें। तो मेरे ख्याल से विकास का मॉडल किसी और की नकल से नहीं हो सकता, अपने डेवलपमेंट को बैलेंस करने से। तो मुझे लगता है हमने जितनी भी विकास की बात की है ना, वो ये बात की कि विकास कैसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो जो हमारा देखने का नजरिया है विकास को, कि हम उसे कैसे देख रहे हैं या वो कैसा आजकल प्रचलित है या उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हमने उस पर सबसे बात की। लेकिन हमारी नज़र में विकास कैसा होगा वो शायद हम बहुत विस्तार से बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मैं एक दो बातें रखना चाहता हूँ। जैसे एक मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि सिंगूर वाला कांड